Hi guys, hope you all are good. So guys, this is Yusuf from Waizy Fitness. आज हम बैक का वर्कआउट करेंगे और गाइज आज मैं आपको 5 एक्सरसाइजेज बताऊंगा बैक की जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगी। सो गाइज मैं ये वर्कआउट अपने होम मेड डम्बल्स के साथ करूंगा। सो गाइज अगर आप भी इस तरह के होम मेड डम्बल घर में बनाना चाहते हैं तो गाइज उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप काइंडली उसे चेक कर लें। और गाइज अगर आप इस तरह की शर्ट बनाना चाहते हैं घर में तो गाइज उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का वर्कआउट बनाऊँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। सो गाइज फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो है वाइड ग्रिप बेंट ओवर्स। सो गाइज उसके लिए आपने स्लोली अपनी नीज पर बेंट होना है अराउंड 45 के एंगल पर। और गाइज आपने डम्बल्स को यूँ पीछे लेकर आना है और गाइस आपने कोशिश करनी है कि आपके शोल्डर आगे की तरफ ना झुकें। आपने अपनी कमर को सीधा रखना है और आपने अपनी चेस्ट को आउट रखना है और आपने ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और गाइस आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप डंबल्स को ऑल द वे पीछे लेकर आएँ, आप डंबल्स को अपनी चेस्ट के ऊपर ना लेकर आएँ। तो गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है क्लोज ग्रिप बेंट ओवर। सो गाइज उसके लिए भी आपने स्लोली अपनी नीज के ऊपर बेंट होना है और आपने डंबल्स को यूं साइड पर रखकर पीछे की तरफ लेकर जाना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी कमर सीधी रहे और आपके शोल्डर आगे की तरफ ना झुकें। तो गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है रिवर्स फ्लाइज। तो गाइज उसके लिए आपने अपनी नीज के ऊपर बेंट होना है और गाइज आपने अपने एल्बोस को थोड़ा सा बेंट रखकर इसको पीछे की तरफ लेकर जाना है। तो गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है सिंगल आर्म बेंट ओवर और गाइज वो हमारे लैट मसल के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो गाइज उसके लिए आपने किसी बेंच के ऊपर यूं बेंट हो जाना है। तो गाइज आपने अपनी लेग को पीछे कर कर थोड़ा सा अपनी कमर को सीधा कर कर सामने देखना है और इस डंबल को ऊपर लेकर आना है। और गाइज जब आपने डंबल को ऊपर लेकर आना है तो आपने उसको अच्छे से स्क्वीज़ करना है। सो गाइज इसी तरह आप साइड को स्विच कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो है पुल ओवर्स। सो गाइज काफ़ी लोग समझते हैं कि ये पुल ओवर्स जो है वो चेस्ट मसल के लिए है, लेकिन गाइज इसकी वेरिएशंस हैं। तो चलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। सो गाइज इसके लिए आपने बेंच के ऊपर यूँ लेट जाना है और अपनी कमर को आपने बेंच के ऊपर रेस्ट करना है और गाइज आपने इसको स्लोली स्लोली पीछे लेके जाना है। और गाइस जब आपने उसको ऊपर लेकर आना है तो आपने इसको अपने हेड तक स्टॉप कर लेना है, यानी आपने इसको ऑल द वे अपनी चेस्ट तक नहीं लेके आना है, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी चेस्ट एंगेज होगी। और गाइस यहाँ पर हमारा मकसद लैट्स को ट्रेन करना है। तो गाइज ये था हमारा बैक का वर्कआउट। सो गाइज आई होप कि आपको ये वर्कआउट अच्छा लगा होगा एंड गाइज आप ये वर्कआउट इजीली डंबल्स के साथ या ब्रिक्स के साथ या वाटर बॉटल के साथ भी कर सकते हैं। और गाइज अगर आप इस तरह के डंबल्स घर में बनाना चाहते हैं तो गाइज उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। एंड गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।